साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें हमारे सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये दोस्तों आपका ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड करिए और जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और लग जाइए दोस्तों, ठीक है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस में जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी वाले हमारे साथी है ना, और दोस्तों हमारे मास्टर कैडर वाले साथी, सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों तो आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के। हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स हैं, कई पुस्तकों के निचोड़ नोट्स हैं, क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी हैं, ठीक है। ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। संपर्क करना, नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पर संपर्क करिए और ये नोट्स बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं हिंदी साहित्य के। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दो पार्ट में है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका टीजीटी पीजीटी का न्यू पैटर्न पर ये दोस्तों कोर्स लॉन्च हो गया है, तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना मात्र 1500 रुपए में, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं 1500 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका दोस्तों सेशन। और एक चीज और बता दें कि यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक नया नोट्स लॉन्च किए गए हिंदी साहित्य का, वस्तुनिष्ठ इतिहास, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य तथा व्याकरण, ठीक है। इसमें लगभग 3000 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन है, और ये 3000 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। साहित्य के क्वेश्चन है और व्याकरण के क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सो अगर ये नोट्स आपको अपने घर पर मंगवाना है तो मात्र 500 रुपए इस नोट्स का चार्ज है, प्लस दोस्तों 99 रुपए इसका स्पीड पोस्ट चार्ज है, ठीक है। तो टोटल मार के आपको 599 रुपए पे करना है। इस नंबर पर नीचे जो नंबर चल रहा है 9098609229 वाला, फोन पे करना, स्क्रीन शॉट देना है और दोस्तों मुझसे व्हाट्सएप पर अपना पूरा पता देना है। ये 7-8 दिनों में ये नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे, हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन, इस प्रकार से आपका ईश्वर ये दोस्तों वस्तुनिष्ठ वाले इस प्रकार से आपके रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। आज अपन आदिकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में किसे स्थान दिया है, बताइए, वीरगाथा काल में किसे स्थान दिया है। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइक जरूर कर देना। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल में किसे स्थान दिया, रासो साहित्य को, जैन साहित्य को, नाथ साहित्य को या फिर सिद्ध साहित्य को, जल्दी से बताइए और एक बार लाइक भी कर दीजिए। एक नंबर का प्रश्न है, वीडियो को शेयर भी करना है। और वीरगाथा काल में किसे स्थान दिया शुक्ल जी ने, तो आपको पता है कि सर इन्होंने स्थान दिया है किसको, रासो साहित्य को, ठीक है। तो आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर बताए आपका, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है। दो नंबर का क्वेश्चन चयन करिए दोस्तों, फटाक से बताना नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है। दो नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर एसपी यादव जी, सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक कर देना है दोस्तों। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं बबीता जी, लाइक करिए। और जिनको भी दोस्तों वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपका उत्तर है कि सर गोरखनाथ, लगा दो, बी नंबर सही है, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तीन नंबर का क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि बताना है, बताइए। ओमदेव, रमा जी, मंजू जी, सभी लोग बताएं, लाइक कर दो साथियों, वीडियो को शेयर भी कर देना। एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे अपना ये सेशन चलता है, सभी लोग बताएं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा है, शबरपा है, लुईपा है या फिर कुक्कीरिप्पा है। तो आप सभी मिलकर के उत्तर बता रहे, जनता जनार्दन, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी के प्रथम कवि राइट आंसर चला गया, सरहपा। किसने माना इनको, राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। आपको पता है दोस्तों सरहपा जो है इनकी एक रचना है दोहा कोश है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और दोस्तों सरहपा सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोहा कोश आपको पता है रचना इनकी, एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, चार नंबर का क्वेश्चन, बताइए हिंदी की पहली रचना भी बता दो। विवेक यादव जी, कार्तिक जी, चयन करिए। दारसू ममता श्रीवास्तव जी, हिंदी की पहली रचना कौन सी है, हिंदी की पहली रचना कौन सी है बताएं।
और दोस्तों जिनको भी हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है जिसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य हिंदी का दो पार्ट में है, वो नोट्स आप मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की पहली रचना कौन सी है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर चला जाएगा देवसेन की श्राप का चार। देवसेन की कौन सी है दोस्तों, श्राप का चार है। ठीक है, तो आपका ये जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। 933 इसका रचना काल माना जाता है, 933 ईस्वी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। किसका, श्राप का चार का। उसके बाद सरहपा का संबंध बताना है दोस्तों, पूर्वी भारत से है, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर उत्तरी भारत से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सरहपा का संबंध है किससे है, अजय कुमार जी, कुबेर जी बताइए, पायल रानी जी, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक जरूर कर देना साथियों, फटाफट से सेशन से जुड़ना है। सरहपा का संबंध किससे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कर देना फटाक से। सरहपा का संबंध बताना है और शेयर भी कर देना है। और आपका उत्तर है कि सर पूर्वी भारत से है, ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सिद्धों की संख्या भी बता दो 6 नंबर के क्वेश्चन में, सिद्धों की संख्या कितनी है, 9, 12, 42 या फिर 84, सिद्धों की संख्या 6 नंबर का क्वेश्चन। सभी को पता है और आपने उत्तर बता दिया कि सर सिद्धों की संख्या पूछ रहे, यानी कि उत्तर है 84, डी नंबर, सिद्धों की संख्या 84। सिद्धों का संबंध बताना है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, नाथ से या फिर सेव से, जल्दी से। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो सिद्धों के पीछे ही पड़ गए, पीछे ही पढ़ना पड़ता है ना, और सिद्धों की संख्या 84, सिद्धों का संबंध है किससे है, तो आप लोगों का आंसर जा रहा कि साथ में बौद्ध धर्म से है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर ये नंबर, वेरी गुड, सिद्धों का संबंध है बौद्ध धर्म की बज्रयान शाखा से है, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। देखो ये नंबर बौद्ध धर्म से। ठीक है, शिवसेन सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, एक क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आया था दोस्तों। शिवसेन सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, सरहपा को, पुंड को, स्वयंभू को या फिर शालीभद्र सूरी को, बताइए। राहुल राज जी, आराधना पाल जी, शिवसेन सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, राजकुमारी जी, सभी लोग बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। और सभी लोगों ने बताया है कि सर इन्होंने माना है पुंड को, है ना, पुंड को माना है, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। पुष्य या पुंड को मानने वाले जो है कौन है, शिवसेन सेंगर, और ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आ गया था। ठीक है, सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, 9 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। ठीक है, और इसी प्रकार से निरंतर से आपको अध्ययन करना है दोस्तों, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, तो चयन करिए 9 नंबर के क्वेश्चन में, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये माना है किसने, राहुल सांकृत्य ने। यहां से एक क्वेश्चन और है, सरहपा किस सदी के माने जाते हैं दोस्तों, किस शताब्दी के हैं, बताइए, 9 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना हमारे सभी मित्रगण, शेयर भी कर दो दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, 10 नंबर का प्रश्न है। मुकेश जी बताएं, योगिता जी, अनीता जी, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। राम कुमार वर्मा जी, अगर दोस्तों आपको टॉपिक वाइज मंगवाना है हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज तो आप घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, मात्र 599 में ये हॉर्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचेगी। और अगर आपको विस्तृत नोट्स मंगवाना है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के तो आप दोस्तों संपर्क करें और वो नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और जिनको भी एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी वाले मास्टर कैडर वाले साथी, वो मात्र 1500 में ले सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, एक क्वेश्चन पूछा गया, तब आपका राइट आंसर है किशर राम कुमार वर्मा ने माना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, राम कुमार वर्मा राइट आंसर चयन किया है आपने, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है, तो अब्दुल रहमान को माना हिंदी का प्रथम कवि।
शिवसेंगर ने पुष्या पुंड को माना है, गणपति चंद्रगुप्त ने शालीभद्र सूरी को माना है, ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि ए पूछ लिया गया दोस्तों आपको यहाँ पर 11 नंबर के क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया, अभी मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है और अब आपको बताना भी है 11 का क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लाइक जरूर कर देना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, प्रथम कवि किसे माना है, 11 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि पूछा है, तो प्रथम कवि माना है अब्दुल रहमान, या इन्हें अद्दहमान भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। इनकी रचना कौन सी है, संदेश रासक, ठीक है। डी नंबर, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है दोस्तों, कब से माना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपभ्रंश से, प्राकृत से, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से, या फिर इनमें से किसी में से नहीं। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड किस किस ने नहीं किया है, जल्दी से कर लो। ये 1500 में, मात्र 1500 रुपए में दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है अपभ्रंश से, प्राकृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर चला गया कि सर सी लगा दो, प्राकृत की अंतिम अवस्था से माना है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है, 13 का क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहना। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है, सभी लोग बताएं, एक बार लाइक भी कर देना सभी साथी। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है, सभी को बताना है। कल एक दोस्तों बढ़िया वीडियो आने वाली है, सुबह से आपकी वीडियो आने वाली है दोस्तों, सुबह 9 बजे से, है ना। तो यहाँ पर दोहा या दुहा किस भाषा का छंद, लोकप्रिय छंद, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 मेरा का चक्कर है, और उत्तर जा रहा है कि सर अपभ्रंश, यानी आपका सी नंबर है। आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है, 14 का आदिकाल की समय सीमा बताइए, 7वीं शताब्दी से 14वीं, 7वीं से 11वीं, 7वीं से 13वीं, या फिर 7वीं से 16वीं। 14 का क्वेश्चन राइट आंसर चयन करना है, उत्तर क्या है बताइए, 7वीं शताब्दी से 14वीं सदी तक कब तक माना जाता है दोस्तों, आदिकाल की समय सीमा पूछी यहां पर। तो यहां पर तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, 7वीं से 14वीं, ठीक है। उसके बाद शुक्ल जी ने अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है, अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है, 4, 5, 6 या फिर 8 को, 15, तो आपका उत्तर जा रहा है कि सर अपभ्रंश भाषाओं में 4 रचनाओं को इन्होंने रखा है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है, ये नंबर राइट आंसर चला गया, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लो, सुकल जी ने देशभाषा के अंतर्गत कितनी रचनाओं को रखा है, देशभाषा के अंतर्गत, 16 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा है दोस्तों, सुकल जी ने देशभाषा के अंतर्गत कितनी रचनाओं को रखा, 4, 8, 6, 5, 16 राइट आंसर, वीडियो को लाइक भी कर देना। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर शुक्ल जी ने देशभाषा के अंतर्गत 8 रचनाओं को रखा है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, 8 रचनाओं को, 16 नंबर का क्वेश्चन बी। सहजयान के प्रवर्तक कौन है, 17 नंबर में सहजयान, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों, हमारे जितने भी साथी हैं, निरंतर अगर आपको पढ़ना है, हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, तो आपका प्रश्न है सहजयान के प्रवर्तक कौन है, वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों, सहजयान के प्रवर्तक कौन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया, लाइक कर दो जल्दी से, शेयर। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा है, शबरपा है, लुईपा या फिर कंडपा है, तो 17 का क्वेश्चन बहुत बढ़िया, आपका उत्तर चला गया कि सर ए लगा दो, सरहपा लगा दो, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सर्वाधिक चर्चित काव्य किस साहित्य में लिखे गए, चर्चित काव्य, 18 नंबर का क्वेश्चन, चरित काव्य, ठीक है, सर्वाधिक चरित काव्य दोस्तों, चरित काव्य जो है किस साहित्य में लिखे गए,
सर्वाधिक प्रमाणिक काव्य किस साहित्य में लिखे गए, ऐसा आपके क्वेश्चन में पूछा गया है मोटिवेशनल जी, है ना। अर्पिता जी, विवेक जी बताइए, और आपको पता है क्या बताओगे आप लोग, वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। सर्वाधिक चरित काव्य पूछे गए, राइट आंसर चला गया जैन साहित्य में लिखे गए, ये सी नंबर आपका सही है। सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या असम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, नया क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। अनुज कुमार जी, राखी जी, बिहार है क्या? बिल्कुल है। उड़ीसा है, असम है, ये भी है, लेकिन फिर कौन सा नहीं है, तो देखते हैं। प्रीति पुरोहित जी बताइए, सुनील कुमार जी, राइट आंसर सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है, तो वो नहीं है 19 में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है भैया। बी नंबर अगर आपने लगाया, ये बिल्कुल सही है, बी नंबर। स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है, पयोम चर्यु, रिठलेमी चर्यु, स्वयंभू छंद या फिर जसर चर्यु, स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है बताइए। 20 का उत्तर रिठलेमी, स्वयंभू, जसर चर्यु, मैंने कई बार आपको याद करवाई है दोस्तों, अगर यहां भी आप गलत करोगे तो गलत बात है फिर, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया, तो एक बार लाइक तो कर दो फटाक से, लाइक तो बनता ही है। तो उत्तर चला गया कि सर पयोम चर्यु तो इनका महाकाव्य, रिठलेमी चर्यु भी है, स्वयंभू छंद भी है, ये जसहर चर्यु दोस्तों दो कवियों की रचना, एक पुष्पदंत की भी रचना है, एक रईधु कवि की भी रचना है, रईधु की, है ना, जसहर चर्यु नाम से पुष्पदंत ने भी लिखी है और रईधु ने भी जसहर चर्यु नाम से एक रचना लिखी है। तो आपका उत्तर यहां पर दोस्तों डी नंबर सही जाता है। संदेश राशक किसने लिखा, संदेश राशक किसने लिखा है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, संदेश राशक रामसेन है, जो हिंदू, अब्दुल रहमान या फिर धनपाल ने, संदेश राशक किसने लिखा है, सुनेना जी बताइए। डीबी गेमर जी, चयन करिए जल्दी से, चंद्रा, चंद्र प्रभा जी बताओ, पापा की शेरनी जल्दी बताओ, संदेश राशक किसने लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपका उत्तर चला गया कि सर संदेश भेजना अब दूर नहीं, तो अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट है, वेरी गुड। धनपाल का समय क्या है, 22 नंबर में 8वीं सती है, 5वीं सती है, 10वीं सती है या फिर 12वीं सती है, धनपाल का समय क्या है, सुनील जी बताइए, धनपाल का समय बताना है, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुसुम यादव जी, धनपाल का समय 22 नंबर के क्वेश्चन में, और धनपाल पूछा है तो बोले सर धनपाल का समय बताओ, 8वीं है क्या, नहीं, फिर क्या है, सभी लोग बता रहे कि सर धनपाल का समय है 10वीं सती, है ना, क्योंकि हम 10वीं से ही धन अर्जित करने लगते हैं, बोले सर 10वीं से ही हम धन अर्जित करने लगते हैं, है ना, तो धनपाल याद कर लेना, 10वीं सती। परमात्मा प्रकाश और योग सार के रचनाकार कौन है, परमात्मा प्रकाश यानी 23 नंबर का क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लेना इस क्लास को दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको परमात्मा प्रकाश बताना और योग सार, परमात्मा प्रकाश और योग सार इसके लेखक कौन है, जिनदत्त सूरी है, जो हिंदू या फिर राम से है, कौन है जल्दी से बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिनदत्त, जो हिंदू, राम से, धनपाल, और लाइक आंसर जा रहा परमात्मा प्रकाश, मैंने आपको बताया कि सर हिंदू के ऊपर परमात्मा का प्रकाश है, है ना, योग का सार है, परमात्मा के प्रकाश का योग है किसके ऊपर, हिंदू, हिंदू तो जो हिंदू, बी नंबर करेक्ट। अपभ्रंश को प्राकृतिक भास किसने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 24 नंबर के क्वेश्चन में अपभ्रंश को प्राकृतिक भास किसने कहा, दोनों विकल्प में से एक का चयन कर लो, अमरदीप जी, आनंद जी बताइए, एसपी यादव जी, अपभ्रंश को प्राकृतिक भास किसने कहा, प्राकृतिक भास किसने कहा, पूजा जी, रविकांत जी, ए टू जेड नॉलेज जी बताइए यहां पर, और आपका उत्तर चला गया कि सर अपभ्रंश को प्राकृतिक भास कहने वाले जो है वो रामचंद्र शुक्ल हैं, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल जनता जनार्दन बिल्कुल सही सही आंसर लगा रही है दोस्तों। जिनको भी प्रैक्टिस वाली 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाली ये बुक मंगवाना है दोस्तों,
3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाली आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं मात्र 599 में, ठीक है। और जिनको हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन चाहिए, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य साथ ही ट्रिक भी, तो आप दोस्तों संपर्क करें और आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। पाहोड़ दोहा किसने लिखा, पाहोड़ दोहा बताइए, धनपाल, जोइंदु, रामसेन या फिर पुष्पदंत। तो सभी को मैंने कई बार याद करवाया है कि सर राम कई पहाड़ को पार करते हुए वनवास गए थे, राम कई पहाड़ों को पार करते हुए कहां गए थे, वनवास। तो पाहोड़ से पाहोड़ दोहा और उत्तर क्या चला जाएगा, आपने उत्तर बता दिया कि सर पाहोड़ दोहा की बात कर रहे हो तो मुनि राम से हैं, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट। दोहा कोश किसने लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दोहा कोश किसने लिखा है, चयन करिए 26 में और लाइक जरूर कर देना दोहा कोश किसने लिखा, ठीक है। 26 का आंसर, राइट आंसर जा रहा कि सर दोहा कोश अगर किसी ने लिखा है तो वो है सरहपा जी, यानी ए नंबर आपका सरहपा बिल्कुल सही है, दोहा कोश लिखने वाले हैं सरहपा, ए नंबर ठीक है, वेरी गुड। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, ऊंचा पूछा है पूजा वर्मा जी बताइए, प्रीति जी, अलका दीक्षित जी। लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, जितनी आप में दम है उतनी प्रैक्टिस करिए, और जिनको प्रैक्टिस सेट घर पर मंगवाना है वो घर पर भी मंगवा सकते हैं मात्र 599 में। निधि दुबे जी, साथ ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का परिवार को बढ़ाना, अपने साथियों तक शेयर करना है, ठीक है, कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, ये 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तब आपका उत्तर जा रहा कि सर 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा है और सबसे ऊंचा स्थान बात करोगे तो लुईपा लगा देना, इसी नंबर लगा देना। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों, एक संकल्प बैच चालू हो गया है जिसमें संकल्प लेके सब बैठे हैं कि अब की बार एग्जाम पार, ठीक है, मात्र 1500 रुपए में दोस्तों। आपने बहुत सारी कोचिंग संस्थानों के कॉल टकटकाए होंगे, पूछी होगी कि फीस कितनी है, तब आपको पता चला होगा कि 7000 किसी की 5000, किसी की 4000, और दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस में कभी आप टकटका लेना तो आपकी 1500 रुपए फीस है ना, सबसे नॉर्मल और सबसे दोस्तों सबकी पहुंच तक, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है ना। तो किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना है, ये 28 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और उत्तर चला जाएगा कि सर लुईपा की रचनाओं में रहस्य भावना है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ये नंबर जिन्होंने भी चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है, लुईपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है 28 नंबर में। यहां पर आपसे एक पंक्ति पूछी गई है, पंडित सयल सत्य बखाय रई देहई रुद्ध बसंत ना जाड़ई, मैंने याद करवाई ये पंक्तियां ट्रिक से, अगर गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अमड़ा अमड़ तेन बिखंडिये और तेबी डिय जय भड़ई हाउ पंडिये, बताओ पंक्ति किसकी है, सरहपा की है, सभी लोग बताइए, सबरापा, लुईपा या फिर कन्नपा, बताएं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 29 में लाइक भी कर देना है, और मैंने आपको बताया है, कई बार याद करवाया है, याद आई आपको ट्रिक याद आई कि नहीं आई, अंजू यादव जी बोले सर याद आई, पंडिये यहाँ पंडिये, तो पंडित राहुल दोस्तों सांकृत्यायन का नाम लेते हैं और उन्होंने किसको माना है, सरहपा को माना हिंदी का, है ना। तो अपन को ये पंडिये याद कर लेना, पंडिये सरहपा याद कर लेना, यहाँ पर ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। काया तरुवर पंच बिडाल, पंक्ति किसकी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन 30 नंबर का, और अब की बार एग्जाम पर संकल्प लेके आगे बढ़ो कि सर हिंदी साहित्य पढ़ना है और बंपर तरीके से ट्रिक से पढ़ना है, ठीक है। तो काया तरुवर पंच बिडाल पंक्ति किसकी है, इतना अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया, लाइक जरूर कर देना सभी साथी, शेयर भी कर दो दोस्तों। काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति सरहपा की है, लुईपा की है, सबरपा की या फिर कन्नपा की, दोस्तों चयन करिए जल्दी से। तनु जी, शिया अग्रवाल, योगिता जी, सभी लोग बताएंगे काया तरुवर पंच बिडाल, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना फटाफट प्रैक्टिस आपके लिए अगर कोई करवाता है तो वो है सेल्फ स्टडी क्लासेस। काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति पूछी गई और ये पंक्ति लुईपा की है, किसकी पंक्ति है दोस्तों, लुईपा लगा दिया जिसने बी नंबर, उसका आंसर सफल हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। जाही यहां पर पूछा है, जाही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश और तही बट चित्र बेसाम करू सरहे 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 कहे ओवेश, बताओ अब अगर गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ट्रिक बताइए, मैंने ट्रिक कई बार बताइए प्रमोद सैनी जी, अब आपसे नहीं बनेगा अगर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जाही मन पवन संचरई रवि शशि नाही पवेश
और ताही बटे चित्र बे साम करू सरहे कहे उबेस। तो 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर के क्वेश्चन में लाइक जरूर कर देना। और आपका मैंने सरहे से बनाया था यहाँ पर सराहपा, सरहे हाईलाइट करवाया था, सरहे से क्या हो जाएगा सराहपा यानी बी नंबर। ट्रिक थोड़ी बहुत याद आ रही कि नहीं? आगम बे पुराड़े ही पंडिये माड़े बहंती और पक्के श्री फल अलिये जिमी बाहेरिये भमंती। पंक्ति किसकी है भैया 32 नंबर के क्वेश्चन में? 32 का उत्तर वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर भी कर देना है। और यहां पर थोड़ा सा आपको बताना है, आगम बे पुराड़े ही पंडिये माड़े बहंती, बताओ जल्दी से बताओ ये पंक्ति किसकी है? देखते हैं कौन कौन सफल हो पाता है। यहां पर बाढ़ नहीं चल पा रहा है क्या? साधना जी चयन करिए, आगम वेद पुराण। तो यहां पर बोले सर आगम और वेद पुराण हमने काहे से सुने हैं? कान से सुने हैं रितेश जी। आगम वेद पुराण काहे से सुने? कान से सुने। कान तो कान से क्या बनेगा? कन्नपा यानी डी नंबर। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है, कान से सुने आगम वेद पुराण। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिमी डोरे बिल्ले जाई पाड़ी ए ही तिम धरणी लई चित्त और समरस जाई तकड़े जय पुड़ूते सम ऋंत। ठीक है, ये पंक्ति पूछी गई है, जिमी डोए बिलजई पाड़ी ए ही तिम धरणी लई चित्त और समरस जाई तकड़े जय पुड़ूते सम ऋंत। ये पंक्ति पूछी गई दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पंक्ति पूछी जा रही है यहाँ पर, मजा आ रहा होगा दोस्तों। आज को 33 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर देना, हमारे सभी साथी शेयर भी कर देना। और उत्तर है कि सर ये जिमी डोए बिल्ले जाई, ये पंक्ति भी कन्नेबा की मानी जाती है, यानी आपका उत्तर से आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। ये पंक्ति भी किसकी है अच्छे से देख लो, जिमी लोग बिले जाई। ठीक है, ससुरी निदम गेल बहुड़ी जागे, ये पंक्ति किसकी है 34 नंबर में बताइए अनीता राजपूत जी। ससुरी निदम गेल बहुड़ी जागे, ये पंक्ति किसकी है? किन किन को, किन भी साथियों को एडमिशन लेना है तो वो संपर्क करें, मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 3-4 और 1 साल की वैलिडिटी है, इसके बाद अगर एलटी का एग्जाम आता है तो उसके लिए आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी कोर्स में आपका चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो 34 का उत्तर, 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 में आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और आपका यहां पर जा रहा है ससुरी कुकरेप्पा, अच्छा बताना है ना? आपने दोस्तों देखा होगा, बोले हमारा जो ससुर है ना बहुत कुकरेप्पा है। कैसा है? कुकरेप्पा है। कौन? ससुर। तो यहाँ पर ससुरी आया, ससुर कैसा? बोलो बहुत कुकरेप्पा है। ये कुकरेप्पा की पंक्ति है, डी नंबर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि, किसने लिखा प्रबंध चिंतामणि? 35 प्रबंध करना है अपन को, काय का प्रबंध करना है, काय का प्रबंध करना है। प्रियंका जी कॉल कर लेना, कॉल जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो कॉल कर लेना है ना। 35 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रबंध चिंतामणि ये किसने लिखा? एक अच्छा ग्रंथ, एक बढ़िया सा ग्रंथ, अब्दुल रहमान ने, मेरु तुंग, गुलेरी जी या फिर कन्नपा ने दोस्तों, बताइए, चयन करिए। रितेश का ससुरी कुकरी है, कुकरी है ना। तो 35 का क्वेश्चन है, 35 का राइट आंसर और आपका उत्तर है कि सर हमें प्रबंध करना है, प्रबंध की चिंता है। काय के प्रबंध की चिंता है? बोले सर मेरु पर्वत की प्रबंध की चिंता है। बी नंबर आपका सही है। सराहपा कन्नपा तिलोप्पा आदि के उपलब्ध दोहे को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सराहपा कन्नपा तिलोप्पा आदि के दोहे को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया है? दीक्षा जी लाइक कर देना दोस्तों, शेयर भी कर दे हमारे सभी साथी। इतना बढ़िया सेशन और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 36 नंबर के क्वेश्चन में, सभी बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है 36 में, शेयर भी कर दिया करो। सराहपा कन्नपा तिलोप्पा आदि के उपलब्ध दोहे को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया? बहुत अच्छा 36 नंबर का क्वेश्चन। और आपका उत्तर जा रहा है 36 में क्या जा रहा है कि सर वो छपवाया है किसने? प्रबोध चंद बागची ने छपवाया है, यानी कि आपका जो ए सी नंबर है, सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ये प्रबोध चंद बागची सी नंबर राइट आंसर चला जा रहा है। ठीक है, इन्होंने सराहपा कन्नपा दोहा कोश के नाम से इन्होंने छपवाया, प्रबोध चंद बागची जी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड,
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रेखा जी, गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन ये बताना है 37 नंबर में, गोरखवाणी नाम से बताइए। सिया जी कुछ लोग ऊपर बी बता रहे थे, अनुज जी बताएं, चयन करिए। रश्मि पाठक जी, अंजू जी, प्रमोद जी, गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया? एक अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए फटाफट से। गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन आखिर किया किसने है? पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने, प्रबोध चंद बागची, हरप्रसाद शास्त्री या फिर गोरखनाथ ने? 37 का उत्तर बताना है, 37 नंबर का उत्तर बताइए। और लगभग सभी को पता है, बहुत सारे साथी अगर ये प्रश्न नहीं बनेगा आपसे तो क्या करोगे? गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने, यानी ए नंबर आपका राइट आंसर चला गया। वेरी गुड आंसर पीताम्बर दत्त वर्तवाल। नाथों की संख्या कितनी है दोस्तों? नाथों की संख्या कितनी है? एक अच्छा क्वेश्चन, नाथों की संख्या कितनी है? लाइक भी कर देना हमारे सभी साथी, नाथों की संख्या कितनी है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे 9 है, 12 है, 84 या फिर 64 है? कितने नाथ हैं, कितने नाथ? तो बोले सर ये तो बिल्कुल सरल है, नाथों की संख्या है 9 और सिद्धों की संख्या है 84, ठीक है, और आलवार भक्तों की संख्या है 12 और नयनारों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 39 नंबर में पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? बताइए शिल्पी जी, राहुल जी, 9, 10, 14 या फिर 16? कितनी बताइए? उषा जी बताएं, 39 नंबर का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन प्रश्न पूछा गया। और यहां पर सभी लोग बताएंगे नयनारों की संख्या 63 है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया राइट आंसर है कि पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताई है 9, यानी कि आपका ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? 4 नंबर में गोरखनाथ दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ, ठीक है, और गोरखनाथ के गुरु कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी लोग बताएंगे। और इस सेशन से रोज आपको जुड़ना है तो रोज रात्रि 9 बजे आ जाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस में, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इन्फॉर्मेशन आपके घर तक पहुंचे। दोस्तों गोरखनाथ के गुरु का नाम सभी को पता है कि सर मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ है, ये नंबर आपका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आजादी काल में आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आने वाला है दोस्तों, इतने सारे प्रश्न आपने यहाँ पर पढ़ दिए हैं और फटाफट आप बता रहे, एक से एक प्रश्न आपके यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 41 नंबर में गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना? मिश्र बंधु ने, शुक्ल ने, ग्रियर्सन या फिर तासी ने? बताइए अनुज जी, चयन करिए। ममता जी, पुष्पा जी, सुखबिंदर जी, राहुल जी, गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? नीलम वर्मा जी बताइए, भोले शंकर जी, मिश्र बंधु, शुक्ल जी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर तासी ने? किसने माना? और 41 का उत्तर आपसे पूछा है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है मिश्र बंधुओं ने, यानी कि राइट आंसर मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी दोस्तों, जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। हिंदी नवरत्न की रचनाकार भी कौन है? मिश्र बंधु है। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता था? कनफटे योगी, कनफटा, भाकत पटा, राहुल जी बताए, वंदना जी, पुष्पा जी, कनफटे योगी किस ग्रंथ के लोगों को कहा जाता? नाथों को, सिद्धों को, जैनियों को या फिर राशों को? पूजा जी बताइए। सिया अग्रवाल जी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है या नोट्स मंगवाना है बिल्कुल संपर्क करें दोस्तों, और ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, है ना, और ये दोस्तों एडमिशन मात्र 1500 में लग जा ले सकते हैं, 1500 में एक साल की वैलिडिटी के साथ। डेली एक टेस्ट भी होता है दोस्तों, 100 प्रश्नों का डेली एक टेस्ट भी होता है, 2 लाइव क्लासें भी होती हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी आपका पूरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 42 नंबर के क्वेश्चन में 42 का उत्तर आपसे पूछा गया, उत्तर है नाथों को, नाथों को, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नाथों को कहा जाता है अवधूत मत के नाम से जाना जाता है, अवधूत मत, 43 अवधूत मत के नाम से जाना जाता है। नाथ पंथ, सिद्ध मत, कौन सा जाना जाता है ये जल्दी से बताइए। बिल्कुल शुरू से ही हो रहा है, 4 दिन शुरुआत हुए हैं दोस्तों अभी इस बैच में, तो अवधूत मत के नाम से जाना जाता है नाथ, सिद्ध, जैन या फिर कौन सा जाना जाता है, सभी लोग चयन करेंगे। 43 का क्वेश्चन है, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो अवधूत मत है
कि नाथ पंत जाना जाता है और अवधूत मत इसे कहा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अवधूत मत, नाथ पंत को अवधूत मत किसने कहा, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सिद्धों की भाषा बताइए दोस्तों, सिद्धों की भाषा कौन सी है, सिद्धों की भाषा बताइए। आराध्या जी, राहुल राज जी, सभी लोग बताएंगे सिद्धों की भाषा कौन सी है। सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों बढ़िया और बंपर तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। जिनको भी नोट्स मंगवाना है बिल्कुल भी ना चूकें, इतना अच्छा सेशन, इतना बढ़िया सेशन आपको रोज रात 9 बजे लाया जाता है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब प्ले स्टोर में जाए, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये वाला जो ऐप है वो ऐप दोस्तों आप क्या कर लेना, ऐप क्या कर लेना, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना। सिद्धों की भाषा बताना है, 44 नंबर का क्वेश्चन है। साधुकड़ी, अपभ्रंश, ब्रज या फिर संध्या, तो आपका उत्तर है कि सर संध्या, डी नंबर आपका सही है। सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को बोध गान ओ दोहा नाम से संपादन किसने किया है, 45 का क्वेश्चन। सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को बोध गान ओ दोहा नाम से संपादन किसने किया, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने, कर प्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। शुभविंदर जी, सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को बोध गान ओ दोहा नाम से संपादन किसने किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 45 नंबर का क्वेश्चन है। और 45 नंबर के क्वेश्चन में लगभग सभी से ये क्वेश्चन बनेंगे, लाइक भी कर देना। उत्तर है कि सर ये जो चर्या पदों और दोहों को बोध गान ओ दोहा नाम से जो किया है वो किया है किसने, हर प्रसाद शास्त्री ने, यानी कि आपका जो बी नंबर है हर प्रसाद, क्योंकि बोध का गान हर करता, हर व्यक्ति करता, हर बोध गान है ना, तो ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। प्राण सांकली किसने लिखा, प्राण सांकली की रचनाकार कौन है, प्राण सांकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है देवेश जी। प्राण सांकली गोरखनाथ, रहपा, मच्छंदरनाथ या फिर सबरपा, चयन करिए। अभी तक आप दोस्तों कंफ्यूज थे कि केवल आदिकाल में कुछ ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर देख करके आपको लग रहा है कि आदिकाल में तो बहुत कुछ है। प्राण सांकली किसने लिखा ये ग्रंथ है, बताइए। गोरखनाथ ने लिखा क्या, सरहपा ने लिखा क्या, मच्छंदर या फिर सबरपा ने, प्राण सांकली के रचनाकार कौन है दोस्तों, सभी लोग बताएं 46 नंबर के क्वेश्चन में। और 46 का उत्तर क्या जा रहा है, बोले सर प्राण सांकली ये लिखा है किसने, गोरखनाथ ने, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घर बाय खजई सहजे रजई किजई राय बिराए, ये पंक्ति किसकी है बताओ, ट्रिक भी मैंने कई बार आपको बताई है। 47 है ना, घर भर खजई सहजे रजई, सहजे रजई ये पंक्ति बताइए, और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पंक्ति को याद करवाया था आपको, ये पंक्ति आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो, कभी नहीं भूल सकते। और आपका उत्तर देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है, किस किस को ट्रिक याद आ रही है 47 नंबर के क्वेश्चन में। और पंक्तियां आपको जो कठिन लगती हैं दोस्तों यों ही याद हो जाती हैं, यों ही, ठीक है। तो 47 नंबर का क्वेश्चन, और आपको पता है कि सर यहां पर याद किया था, सर सर लॉकडाउन लगा है, घर बाहे खज जाई, घर पे ही रच जाई, सहजे रच जाई, घर पे ही रच जाई, घर पे ही खज जाई, लॉकडाउन लगा है सर जी। सभी बच्चे हमसे बोले कि सर घर लॉकडाउन लगा है, घर पे ही रच जाई है ना, घर पे ही खज जाई, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। घर बाहे खज जाई सहजे रच जाई किज जाई राय बिराय, सर तो सर से सरहपा, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और इसी प्रकार से अगर सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़ना है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। बताइए स्वयंभू द्वारा रचित अपूर्ण ग्रंथ पयोम चर्यु को किसने पूरा किया और उसमें पूर्ण रूप से कितनी संधियां हैं, बताओ पुष्पा जी। पयोम चर्यु जिसे जैनी रामायण कहा जाता है, 5 कांड है दोस्तों पयोम चर्यु में, कितने कांड है, 5 कांड है ना, तो इसमें 83 संधियां थी, 7 संधियां और जोड़ी किसने, इनके पुत्र ने, ठीक है, इनके पुत्र ने, तो कुल मिला के कितनी हो गई, 90 संधियां हो गई, काय में, पयोम चर्यु में, ठीक है, याद कर लेना इसको। 5 कांड है, 83 संधियां थी मूल ग्रंथ में, 7 संधियां इनके पुत्र त्रिभुवन ने जोड़ी, क्योंकि इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूर्ण किया था। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। किस अपभ्रंश कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 49 नंबर के क्वेश्चन में, बताइए। अभिमान मेरु तो कई बार पूछा गया, मुलायम जी बताइए, लखविंदर जी, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा या फिर हेमचंद, किस अपभ्रंश कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लाइक जरूर कर देना, मित्रों को शेयर भी कर देना, ठीक है, नारायणी जी, ठीक है। और दोस्तों यहां पर जा रहा है कि सर अभिमान मेरु,
अभिमान मेरु स्वयं को कहा है किसने, पुष्पदंत ने। पुष्पदंत इनका ग्रंथ कौन सा है, महापुराण। महापुराण है जिसमें 63 शलाका के पुरुषों का वर्णन मिलता है। पुष्पदंत 10वीं सदी के माने जाते, ये भी याद कर लेना, ठीक है। ये आपका बी नंबर। इन्हें दोस्तों अपभ्रंश का भावभूति भी कहा जाता है। अपभ्रंश का भावभूति किसे, पुष्पदंत को, ठीक है। उसके बाद किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, बताओ। 50 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। हमारे जितने भी साथी हैं, है ना, आप लोग बताएंगे किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो लाइक जरूर कर देना। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इतने सभी साथी दोस्तों देख रहे हैं और इसी प्रकार से देखते रहें। रोज रात्रि 9 बजे ये क्लास आपकी होती है। बंपर तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें, प्रैक्टिस करें। और जिन भी साथियों को दोस्तों 3000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट अपने घर पर मंगवाना है, वो मात्र 599, जिसमें व्याकरण है और साहित्य है, है ना। टॉपिक वाइज आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज है, अपने घर पर मंगवा सकते हैं। जिनको हिंदी साहित्य का गद्य पद्य दोस्तों ट्रिकी नोट्स मंगवाना है, वो घर पर मंगवा सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, ऐप डाउनलोड कर लें, मात्र 1500 में एडमिशन ले सकते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, बोले सर स्वयंभू, यानी कि स्वयं, यानी ये नंबर, ठीक है। कल यहां से अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, कल यहां से अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं आगे पढ़ने के लिए, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। अब आपका कर्तव्य बनता है कि हम लाइक करें, हम अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है। अपने साथियों को भी बताएं कि अगर एडमिशन लेना है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में आए। सबसे बहुत अच्छी क्लासें होती हैं, बढ़िया क्लासें, बढ़िया ट्रिक दी जाती हैं कि जो लाइफ टाइम आपको याद रहे, ठीक है। ऐसी ट्रिक दोस्तों, वो पंक्तियां जो आपको कभी याद नहीं होती, वो पंक्तियां सेल्फ स्टडी क्लासेस में एक बार आ जाओ, कभी भूल नहीं सकते। वो रचनाएं जो कभी आपको याद नहीं होती, सेल्फ स्टडी क्लासेस में आइए दोस्तों, कभी भूल नहीं सकते, है ना। ऐसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर दोस्तों करवाई जाती हैं और एक नए तरीके से अध्ययन करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड में लिखवा दिया और आपसे बोला कि लिख लो, आप अपने दोस्तों नोट्स में बना लिए, नोट्स में लिख लिए और आप उन्हीं को पढ़ने लगे हो, कई बार पढ़ रहे फिर भी याद नहीं हो रहा। यहाँ पर दोस्तों लिखवाने के लिए मना, बिल्कुल भी नहीं लिखना। क्लास बस अटेंड करना है और क्लास अटेंड करोगे तो 50-60% तो क्लास में ही याद हो जाता है। बहुत सारे इस चीज के गवाह हैं, बहुत सारे साथी हैं। सो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, संपर्क करें दोस्तों, नीचे नंबर चल रहा है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और बढ़िया तरीके से अध्ययन करें, मस्त तरीके से, है ना, मस्त मौला तरीके से। आप हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल भी नहीं चूकना दोस्तों, एक नए तरीके से, एक नई विधि के द्वारा आप अध्ययन करें, है ना, जिसमें दोस्तों आपका व्यवहारिक जीवन आपके इस पढ़ाई में काम में आएगा, ठीक है। तो किरण जी, अर्पिता, अनुराग जी, अनीता राजपूत जी, कार्तिक जी, कविता, राजीव जी, बिंदु जी, दीक्षा यादव, एलडी जी, मधु जी, रावंत जी, पुष्पा जी, लवली जी, रवि जी, मनीषा जी, ठीक है, वंदना जी, विश्वास जी, पुष्पा, एलडी जी, राधिका, मनीषा जी, आरती, बीनू जी, नीलम जी, निधि जी, एलडी, अर्पिता जी, प्रियंका, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े रहें। पूनम जी, रीता कांत जी, मदर जी, ठीक है, और निधि जी, बिंदु लता, मनीषा जी, गिल, हैना, जसमेल जी, चांदनी, सुनील कुमार, आरती जी, अनुराग जी, अनुज जी, रवि जी, रवि शंकर जी, प्रेम जी, राजीव, पुष्पा जी, कल्पना जी, राहुल राज जी, सुनैना जी, तनु, सुनील कुमार जी, कविता जी, सुशांत जी, संतोष जी, पुष्पा जी, संगीता जी और अवनी जी, श्वेता, राजकुमारी, ठीक है, अंजू जी, मधु जी, एलडी, प्रजापति जी, पुष्पा जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। नीलम जी, ठीक है, कुबेर माझी जी, लवली जी, धन्यवाद सभी को। जय हिंद।